सब्सक्राइब कीजिए आदर्श किसान सेंटर चैनल को और पास आए बेल आइकन दबाएं, कृषि संबंधित वीडियो सबसे पहले पाएं। नमस्कार किसान मित्रों, आज सुबह सुबह मेरे को इसलिए वीडियो डालना पड़ा क्योंकि हम जीत गए हैं। केंद्र सरकार से जीत गए दोस्तों, किसान विरोधी सरकार से हम जीत गए हैं। किसान दोस्तों, जो ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहन श्रेणी में रखा गया था, जिससे हम मतलब टोल प्लाजा पर ऑल इंडिया में टोल देना पड़ेगा, इस फैसले से किसान सरकार से जीत गए हैं। आखिरकार सरकार को इस फैसले से वापस अपना हाथ खींचना पड़ा और सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। किसान दोस्तों, आपको बता दें कि 1989 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तब इस फैसले को मतलब पहले टोल लगता था तो नॉन कमर्शियल वाहन श्रेणी में रखा गया था। फिर बाद में इसको 2017 में केंद्र सरकार ने इसको व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में रख दिया था। फिर किसानों ने इसका फिर जोर से विरोध किया था। किसान वाली पार्टियां, किसान संगठन सभी ने इसका पुरजोर से विरोध किया। इस विरोध का असर यह हुआ दोस्तों कि हम जीत गए हैं और केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। तो किसान दोस्तों, हमें अपनी ताकत ऐसे ही दिखाती रहनी होगी और तभी हमारा सरकार से भला हो सकता है। तो किसान दोस्तों, इस फैसले को केंद्र सरकार ने वापस लिया है, इसके लिए सभी किसान दोस्तों को बधाई। और सभी किसान दोस्तों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनको एक प्रोत्साहन मिले और वो आगे भी अपने एक कठोरता के साथ में, किसान संगठनों के साथ में, अपनी एकता के साथ में खड़ा रहे। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक पहुँचाएँ और अपना समर्थन सरकार के जब फैसला लेती हैं कोई किसान विरोध में, तो अपनी पुरजोर ताकत से उसके साथ में, किसानों के साथ में, किसान संगठन के साथ में खड़ा रहे, जिससे किसानों की एक अलग पहचान और अलग ताकत बनकर वह उभरे और एक अच्छा फैसला सरकार को ले सकती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी किसान दोस्तों तक इस जागरूकता को जरूर से जरूर फैलाइए।